नमस्कार, मैं सृष्टि, आप देख रहे हैं इंडिया खबर। आइए एक नजर अब तक के मुख्य समाचार पर। मध्य प्रदेश में थमा उपचुनाव का शोर, शिवराज ने कहा गुंडों का सफाया करेंगी, कांग्रेस ने रैली निकालकर दिखाई ताकत। आश्रम थ्री बवाल पर दिग्विजय का आरोप, कहा भागचंद हत्याकांड में उम्र कैद हुई फिर भी निगम में कर रहा जॉब। सिंधिया की झाड़ू पर लोगों की प्रतिक्रिया, झाड़ू लगाने पर 38% लोग बोले अच्छा है, सफाई के लिए प्रेरित होंगे, वही 39% की राय सिर्फ दिखावा है। जनता को संबोधित कर कमलनाथ ने पेट्रोल रसोई के बढ़ते दामों पर दिया नारा, बहुत सहेगी अत्याचार, अब की बार जनता का पलटवार। कोरोना से राहत, डेंगू बना सिरदर्द, 64 को और निकला डेंगू, इनमें से कई मरीजों को चिकनगुनिया के भी लक्षण। भिंड में बिजली अफसरों का प्लान, शहर के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नया जोन BTI बनाए जाने की पहल, भेजा प्रस्ताव। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बीच मंदिर विवाद, बॉर्डर पर बने ज्वालेश्वर धाम पर दोनों का दावा। मास्टर प्लान 2035, इंदौर में बनेगा IT इकोसिस्टम, 5000 एकड़ में इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करने का सुझाव। दिवाली पर रोशन रहेगा शहर, हाई लोड वाले ट्रांसफॉर्मर्स के पास तैनात रहेंगे 2 मेन लाइन। उज्जैन के तापमान में एकाएक गिरावट, 5 डिग्री गिरा तापमान, 15 पर पहुंचा पारा, सर्दी बढ़ी। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।